नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 8 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ वंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले ग्वालियर से जानकारी। पूर्व मंत्री के समर्थकों पर FIR दर्ज हो गई है। चौराहे पर विरोध करना महंगा पड़ गया है समर्थकों को। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के समर्थक कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। मुरार थाने में 30 से 40 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। शनिवार रात मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने चक्का जाम भी किया। बारादरी चौराहे पर सड़क पर जाम लगाने की कोशिश थी। मुन्नालाल को टिकट ना मिलने से नाराज है समर्थक। रविवार को जयविलास पैलेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी विरोध किया। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के टिकट के दावेदार मुन्नालाल गोयल मान रहे थे अपने आप को। ग्वालियर पूर्व से भाजपा ने माया सिंह को प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन उसके बाद जो विरोध हुआ उसके चलते FIR दर्ज हुई। ऐसे कि सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, ये जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश में भी लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है, लेकिन अब केस दर्ज होने से मुश्किलें बढ़ती हुई। बिल्कुल, देखिए चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, यही वजह है कि शनिवार रात को जब मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने बारादरी चौराहे पर मुन्नालाल को टिकट ना मिलने के चलते चक्का जाम किया था। लगभग आधे घंटे से ज्यादा इन्होंने चौराहे पर जाम लगाया था। उसी दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, यहाँ से यातायात भी बाधित हुआ था। यही वजह है कि पुलिस ने प्रशासन के निर्देश के बाद आचार संहिता उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया है। इनमें करीब 30 से 40 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और पुलिस जो फुटेज सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं मीडिया और आसपास के CCTV में, उसके आधार पर इन लोगों की शिनाख्ती करके इनको नामजद आरोपी बनाया जाएगा। लगभग 30 से 40 लोगों को अभी अज्ञात के तौर पर बनाया गया है आरोपी इसमें। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर बढ़ेगी, क्योंकि मुन्नालाल गोयल टिकट ना मिलने से उनके समर्थक नाराज थे। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से बीजेपी ने माया सिंह को टिकट दिया, यही वजह कि मुन्नालाल के समर्थकों ने शनिवार रात चक्का जाम किया और कल इन्होंने सिंधिया के महल में भी घुसकर वहां भी सिंधिया की गाड़ी को घेरा था, सामने गाड़ी के लेट भी गए थे। तो एक उग्र विरोध था, लेकिन चौराहे पर चक्का जाम करने के चलते इन लोगों के खिलाफ अब चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। चलिए देखने वाले विषय के पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील। और बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व आज चुनावी मैदान में होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक साथ आएंगे आज प्रचार के लिए। प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय भी आज प्रचार अभियान में जुटे रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड में उतरेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की जब बात करेंगे तो मंडला में आपको नजर आएंगे। सिवनी में बीजेपी का माहौल बनाने की कोशिश भी प्रहलाद पटेल की तरफ से ही होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अशोकनगर और रतलाम जिले में चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। सभी जानते हैं कि कहां पर किसका प्रभाव ज्यादा और उसी के चलते प्रचार को लेकर जिम्मेदारी अब बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी गई है। तो चार अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर चार अलग अलग नेता बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए आज नजर आने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। प्रहलाद पटेल भी लगातार चुनावी मैदान में ही हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस लगातार उनका बढ़ता हुआ, इसलिए भिंड में प्रचार अभियान की कमान वहां सर ही संभालने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की चौथी सूची भी जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा उनकी तरफ से हो चुकी है। पन्ना से महेंद्र वर्मा, मनगवा से प्रीति वर्मा, ग्वालियर पूर्व से विनोद गुर्जर को उतारा है मैदान में। महगांव से देवेंद्र सिंह गुर्जर का नाम है। गोविंदपुरा से डॉक्टर विवेक परिहार है। बंडा से सुनील जैन, जौरा से मनी राम धाकड़ को टिकट दिया है पार्टी ने। बात करें मध्य प्रदेश की 12 सीटों की, समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम 12 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। अलग अलग क्षेत्र जहां से प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है। वोट बैंक मजबूत होता है इस पार्टी का, कई जगहों पर हो सकता है कि प्रभाव आगे आने वाले समय में भी डाले, लेकिन फिलहाल प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से 12 सीटों पर। और एमपी बीजेपी में टिकट को लेकर नेताओं के बगावती तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं। ग्वालियर में मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने मोर्चा खोला। बीजेपी को भरोसा है कि आने वाले समय में नाराजगी दूर भी कर ली जाएगी। देखिए
नारेबाजी करते ये लोग मुन्ना लाल गोयल के समर्थक हैं और इन लोगों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी का घेराव कर दिया है। ये लोग माया सिंह के टिकट का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले इन लोगों ने सिंधिया के महल का भी घेराव किया और गार्ड से भिड़ गए। देखिए, हमारा विरोध कोई नहीं है, हमारा तो केवल एक मांग है। हमारी मांग है, विरोध नहीं है किसी से। हमारी मांग ये है, और मैं न्याय मांगने आया महाराज साहब एकदम, तो कि भाई हमारी ग्वालियरपुर की सीट तभी निकल पाएगी जब मुन्ना भैया यहाँ से टिकट मिलता है उनको, क्योंकि मुन्ना भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहे और जनता के लिए उन्होंने कार्य किया। बाद में जब सिंधिया घर से निकले तो उनकी कार का घेराव कर दिया। बाद में सिंधिया कार से उतरे और समर्थकों को समझाया। उधर समर्थकों की नाराजगी को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने दो टूक कहा कि सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, साथ ही नाराजगी को मत भिन्नता करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की दो को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मत भिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नाराजगी केवल ग्वालियर में है ऐसा भी नहीं है, कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। कल जबलपुर में भी हंगामा देखने को मिला, ऐसे में भितरघात का खतरा है। लिहाजा पार्टी इससे कैसे निपटेगी ये आने वाले वक्त में साफ होगा। और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ पर चर्चा कर लेते हैं। आप प्रत्याशी की चौथी सूची जारी हो चुकी है। यहाँ पर चौथी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। रायपुर उत्तर से विजय गुरु बक्षणी, साथ ही साथ आरंग से परमानंद जागड़े को टिकट मिला है। बिंद्रा नवागढ़ से भागीरथ मांझी हैं। रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया को टिकट मिला है। खल्लारी से नीलम ध्रुव चुनाव लड़ेंगे। इधर बलौदाबाजार से संतोष यदू का नाम सामने है। समरी से देव गणेश को टिकट, लोंडरा से अलेक्सजेंडर को भी टिकट सौंपा गया है। सीतापुर से मुन्ना टोपो, जशपुर से प्रकाश टोपो, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है 12 प्रत्याशियों के, जो कि आम आदमी पार्टी की चौथी सूची के तौर पर सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों की घोषणा। कुछ प्रमुख सीटें जिन्हें लेकर जानकारी साझा की जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला होने के असर और उसी के चलते ये सीटें और ये नाम, जिनके समीकरण समझना हर दूसरी राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी है। आम आदमी प्रत्याशियों की चौथी सूची, जशपुर से प्रकाश टोपो को टिकट दिया है पार्टी ने। चौथी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों की सिलसिलेवार घोषणा। छत्तीसगढ़ में पार्टी कितना प्रभाव डालेगी ये इस बार के चुनाव में स्पष्ट हो पाएगा। और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अंतिम सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव को टिकट मिला है। सिहावा की बात करें तो अंबिका मरकाम को टिकट दिया गया है और धमतरी से ओमकार साहू को, रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा उम्मीदवार है। सरायपाली से छतरी नंद, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर को टिकट मिला। कसडोगा से कांग्रेस से संदीप साहू पर भरोसा जाहिर किया। शकुंतला साहू, किस्मतलाल नंद और विनोद चंद्राकर का टिकट कट गया है। टिकट मिलने वालों से ज्यादा टिकट कटने वालों पर फोकस, इसलिए क्योंकि बगावत की चिंता लगातार पार्टी को बनी हुई है। कुछ खास नाम भी जिन पर पार्टी के भरोसा जताने की संभावनाएं थी लेकिन टिकट कटा, ये चौंका देने वाली बात। शायद सर्वे को प्राथमिकता दी गई और इसी के चलते ये सब कुछ सामने आया है। और साथ ही साथ न्यूज 18 की खबर पर एक मुहर भी लग चुकी है। ये भी हम स्पष्ट करते हैं कि टिकट कटने वालों की जानकारी हम पहले ही आपके साथ साझा कर रहे थे। कसडोल से शकुंतला साहू का टिकट कटेगा, ये हमने आपको पहले ही बताया था। किस्मतलाल नंद का टिकट कट चुका है। सरायपाली विधायक किस्मतलाल नंद का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से भी लगातार प्राप्त हो रही थी कि 22 विधायकों का टिकट कटना है। तीसरी लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशी बनाए गए हैं। 18 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने इस बार, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वो नाम जिनका टिकट कटा है। 36 ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें पार्टी पहली बार मौका दे रही है।
22 विधायकों के टिकट कटे, 18 महिला प्रत्याशी हैं, 90 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। मुख्य बात यह कि 36 सीटें नए चेहरों के नाम। और आइए अब बात करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व की। तो नवरात्र का ये पावन पर्व पूरे उल्लास और विधि विधान से आज मनाया जा रहा है। नवरात्रि का नवा दिन आज है। माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की आज पूजा का विधान। मान्यता ये भी है कि माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन बल यश के साथ साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रही है। आपको बताएं कि इसी प्रकार से माता मंदिरों में भारी भीड़, साथ ही साथ दुर्गा पंडालों में भी खास साजो सज्जा बीते 9 दिनों से चलती आ रही है। आज कई ऐसी जगह जहां पर भंडारे का भी आयोजन और कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर माता के बेहद ही खूबसूरत स्वरूप के दीदार के लिए भक्त पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वो अलग अलग तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये नज़ारा छत्तीसगढ़ के लिए खास भी है, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली, सूरत, मुंबई, उदयपुर, ये देश के अलग अलग शहर हैं। यहाँ पर माता की आराधना किस प्रकार की जा रही है ये भी आप देखिएगा, और कितनी बड़ी संख्या में भक्त माता के मंदिरों में पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और वही अनूठा श्रृंगार, माता अनोखे स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हुई, महाआरती का आयोजन, भंडारे का भी आयोजन, और आज कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या भोज का भी आज विशेष महत्व है। दान दक्षिणा लगातार चलती आ रही है बीते 9 दिनों से। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान। और खरगोन के भावसार क्षत्रिय समाज में नवरात्रि के पर्व के दौरान मां अंबे की सवारी खप्पर के साथ निकलने की अनूठी परंपरा भी है। इस परंपरा का पालन समाज 405 वर्षों से करता आया है। इस बार भी इस परंपरा का पालन समाज की ओर से किया गया। इस दौरान सिद्धनाथ महादेव मंदिर परिसर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। माँ अंबे की खप्पर सवारी के दौरान गरबियों का नृत्य देखने को मिला, यानी कि गरबा करने वाले जमकर झूमे हैं। इस मौके पर खूबसूरत नजारे सामने। नवरात्रि पर्व के दौरान जो खरगोन में भावसार छत्री समाज है उसकी एक अनूठी परंपरा है। माता रानी खुद हाथ में खप्पर लेकर आती हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। हमारे साथ जो आयोजन समिति है उसके अध्यक्ष भी मौजूद है। किस प्रकार का यह आयोजन होता है? यह आयोजन है भावसार छत्री समाज द्वारा 405 वर्ष पुराना, ये हमारे पूर्वज हमें जो विरासत में दे गए उस परम्परा को हम निर्वरण चालू रख रहे हैं। महाअष्टमी और महानवमी को शारदीय नवरात्रि में यह कार्यक्रम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में माता आती है प्रांगण में और सुबह 6 बजे तक इसका कार्यक्रम होता है। मतलब लोगों की जबरदस्त आस्था रहती है, लोगों का, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। हमारे साथ युवा भी मौजूद है। ये कैसी परंपरा है आपके समाज की? देखिए, ये हमारे समाज की एक सालों से चली आ रही परंपरा है। आज सब कुछ एक धार्मिक परंपरा है नष्ट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, लेकिन हमारी इस खप्पर की परंपरा हर साल भव्यता बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु जो है वो एक रात पहले से आकर अपनी जगह के लिए मंदिर में सो जाते हैं। और किस प्रकार की आस्था रहती है लोगों में, किस प्रकार का, जैसे गरबिये भी गाने जाते हैं तो किस प्रकार का रहता है? गरबिये हमारी जो 405 वर्ष से चली आ रही है परंपरा है, तो उन्हीं को जो हमारे पूर्वजों ने गरबियाँ लिखी है वो ही हम रियाज करते हैं उनका, वो माता की भक्ति करते हैं, उन्हीं गरबियों से आनंद लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो नवरात्रि का पर्व है, आस्था श्रद्धा जमकर दिखाई देती है, भक्ति भी दिखाई देती है, और इस दौरान जो है माँ का जो स्वांग रचा जाता है, नाटक का मंचन होता है, खुद माँ आती है लोगों को दरबार में दर्शन देती है और श्रद्धालुओं में भक्ति श्रद्धा आस्था जमकर देखी जाती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन।